गृहमंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी गतिविधियों, आतंकियों और गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई के लिए अहम बैठक बुलाई। दिल्ली में दो दिनों तक चलने वाली यह बैठक एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से हो रही है, जिसमें एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ शामिल होंगे। इसके साथ ही इस बैठक में सभी राज्यों के एटीएस चीफ भी हिस्सा लेंगे। बड़ी खबर आप देख रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह ने खालिस्तानी गतिविधियों, आतंकियों, गैंगस्टरों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए यह अहम बैठक बुलाई है। दिल्ली में दो दिन तक यह बैठक चलने वाली है। एनआईए की एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस 2023 के नाम से यह बैठक की जा रही है, जिसमें एनआईए चीफ, आईबी चीफ, रॉ चीफ शामिल होंगे और इसके साथ ही राज्यों के एटीएस चीफ भी इस बैठक में हिस्सा लेने वाले हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में आतंकी नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, खालिस्तानियों पर अगर शिकंजा कसा जाए तो कैसे किया जाए, आतंकियों पर नकेल कसी जाए तो कैसे कसी जाए। हालांकि इसको लेकर गृहमंत्री अमित शाह समय समय पर बैठक करते रहे, लेकिन ये जो बैठक दो दिन होने जा रही है दिल्ली में, महत्वपूर्ण बैठक इस लिहाज से जब राज्यों के एटीएस चीफ भी इसमें शामिल होंगे और रणनीति बनाए जाए कि अलग अलग राज्यों में घर बनाने की कोशिश, नेक्सस बनाने की कोशिश आतंकी करते हैं, उस पर भी काम कैसे किया जाए, उस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए। क्योंकि कई मर्तबा हमने देखा है कि कोई उत्तर प्रदेश में छुपा हुआ है, कोई राजस्थान में छुपा है, अलग अलग राज्यों में शरण लेते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, उस नेक्सस को कैसे तोड़ा जाए। अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं। अमित, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठक होने जा रही है दिल्ली में। जी बिल्कुल, और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो कि देश की सर्वोच्च संस्था है आतंक विरोधी गतिविधियों की जांच करने में, उससे कोऑर्डिनेशन में सभी राज्यों के एटीएस प्रमुख इस बैठक में हिस्सा लेंगे और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई में यह बैठक होगी। कुल मिलाकर खालिस्तानी अलगाववादी देश में जो पनप रहा है और जो पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इनसे कैसे निपटा जाए, इस रणनीति पर इस बैठक में चर्चा होगी। और अलग अलग जो एजेंसी है उनकी गुड प्रैक्टिसेस पर भी चर्चा की जाएगी। तो बेहद अहम यह बैठक है और उम्मीद की जा रही है कि कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे इस बैठक के बाद।